मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे बड़े थर्मल प्लांट में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। एनटीपीसी विद्यांचल के यूनिट नंबर 7 में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एक हफ्ते में एनटीपीसी विद्यांचल की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले फ्लाई एश डैम टूटने का मामला सामने आया था। एनटीपीसी विद्यांचल 4760 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला राष्ट्र के सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में केएसके महानदी पावर कंपनी के कर्मचारी द्वारा गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वही कर्मचारियों ने केएसके महानदी पावर कंपनी के प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्लांट के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि अगर उनकी बात प्लांट प्रबंधक नहीं मानते तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले तो मजदूर नेताओं को एक सुनियोजित तरीके से प्लांट में प्रवेश कराना वर्जित कर दिया। उसके बाद जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, मजदूरों के पास कोई भी संदेश न पहुंचे करके उनका शोषण करने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनते हुए उनका मोबाइल जबरिया मेन गेट में छीना जा रहा है, रोका जा रहा है और उनको नौकरी से निकालने की धमकियां भी दी जा रही है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उन्हीं के भ्रष्ट कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते। ऐसे ही एक मामला सामने आया मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर मंडी का, जहां पर मंडी प्रांगण में दुकानों का निर्माण कराया जाना था। दुकानों के निर्माण कार्य के लिए बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति के गुपचुप तरीके से इन दुकानों की नीलामी होनी शुरू हो गई। 14 दुकानों की नीलामी में 20 फॉर्म आए, जिस कारण दुकानों की नीलामी की बात सामने खुलकर आई और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम तक कर दी। वही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंडल स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार करने की नियत से लोगों से ज्यादा पैसे वसूले गए हैं। समिति ने पूरा निर्णय लिया है कि मतलब आपके प्रचार प्रसार करके उसकी पूरा नीलामी तो समिति ने पहले क्या निर्णय लिया था, पहले क्यों बिकवा ली? पहले कहां समिति आई थी? 50-50 हजार व्यापारियों से गुप्त क्या है कि वो विज्ञापन निकला था हमारा। किस पेपर में निकला था? किस पेपर में निकला था? मैंने लोगों ने विज्ञप्ति तो आपके द्वारा दी गई होगी ना? ठीक है, जिस पेपर में भी निकला था, पर आम जन को अगर इस बात की जानकारी नहीं थी तो क्या निर्णय लिया? तो जिन लोगों ने 50-50 हजार रुपए जमानत के तौर पे जमा किए थे, क्या उनके पैसे वापस होंगे या उनको शामिल किया जाएगा निकालने? पन्ना से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। महिलाओं और लड़कियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात सामने आती रहती है। ऐसे में अगर पता चले कि किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने छेड़छाड़ की और पलट के लड़की ने अपने हाथों से उसे लड़के को पलट कर पटक दिया तो कैसा होगा? कुछ ऐसे ही कारनामा करने के लिए दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोगों ने दंगल आयोजित किया और इस दंगल में लड़कियों को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, दंगल में लड़कों के साथ लड़कियों को लड़ाया गया और जीत भी लड़कियों की ही हुई। इस मौके पर साउथ दिल्ली की मेयर, जो खुद एक महिला है, उन्होंने कहा कि आज की महिला किसी से कम नहीं है, पुरुषों को उठाकर पटकती है, साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ये तो कहना गलत हो गया है कि महिलाएं कमजोर हैं, क्योंकि एक महिला शक्ति तो आपके सामने खड़ी है और दो और जो महिलाएं शक्ति हैं वो आपके सामने दंगल में। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, हर फील्ड में महिला जो है आगे रहती है। और अगर आप बच्चों के परिणाम भी देखोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको बेटियों का ही मिलेगा। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।